महमूद खान ने बताया स्वाबी के अंदर मेरा हेलीकॉप्टर जलसे के लिए लैंड कर रहा था, वहां रॉकेट लॉन्चर लेके आदमी खड़ा था, बाल बाल बच के वहां वो नहीं हुआ। हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मर जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन अचानक न्यूज़ के साथ मैं हूं मियां अफ़ज़ल अहमद। नाज़रीन, आपने दोनों इमरान खान साहब की आइडियो देखी, वीडियो सॉरी देखी, जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे रॉकेट लॉन्चर से मारने की कोशिश की गई। और मुझे ये बात उस वक्त की केपीके के वज़ीर आला जनाब महमूद खान ने बताई थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि केपीके के जो सबका वज़ीर आला था महमूद खान ने उन्हें बताई है कि आप पर रॉकेट लॉन्चर पर हमला होने वाला था, रॉकेट लॉन्चर जिस तरह आपके हेलीकॉप्टर को अटैक करना था। तो नाजी, इसके अलावा दूसरी वीडियो जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कुरान पाक में लिखा है कि जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है कि मर जाओ। आप पूरा कुरान देख लें, पढ़ के देख लें, आप कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आप जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है कि मर जाओ, क्योंकि इस्लाम में खुदकुशी हराम है। तो जिस तरह खान साहब तशरीह कर रहे हैं कुरान पाक की और जो अल्फाज वो अदा कर रहे हैं, इसके ऊपर तुलमा कराम को स्टैंड लेना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। अगर वो अनजाने में बात कर रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि आप पॉलिटिक्स करें, आपका राइट है, किसी पर तनकीद करें आपका राइट है, लेकिन कुरान को दरमियान में ना लाएं। और जिस तरह इमरान खान साहब अक्सर ऐसी ऐसी बातें कह जाती है कि नाउज़ बिल्ला वो कहने को दिल नहीं करता है, तो खान साहब को सोच समझ के अल्फाज बोलने चाहिए और उलमा कराम को बिल्कुल आना चाहिए, उन्होंने बताना चाहिए कि खान साहब आप ये गलत कर रहे हैं, कहीं कुरान पाक में ये नहीं लिखा है कि जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मर जाओ। बहरहाल खान साहब हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लाडले हैं, बकौल उनके 170 उन पर मुकदमा थे, लेकिन किसी में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। और अगर जमानत पे जमानत मिल जाती है और जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी पूरा प्रोटोकॉल उन्हें देते हैं और अभी तक उन्होंने गिरफ्तार होने नहीं दिया है, कोई आम साइल होता तो इस वक्त 14 तबक उसके रोशन हो जाते। बहरहाल ये इमरान खान साहब है। बात करते कि इमरान खान साहब आए दिन मीडिया में इन रहने के लिए वो कोई ना कोई बयान छोड़ देते हैं। अब उनका ये बयान कि रॉकेट लॉन्चर के जरिए मुझे मारने की कोशिश की गई, तो इससे ये तो बात वाजे होती है कि इमरान खान साहब इक्तदार जाने के बाद बिल्कुल ही दिमाग से फारग होते जा रहे हैं। और जिस तरह की वो बयान दे रहे हैं और क्या वो माजी में करते रहे और अब हाल में ये क्या कर रहे हैं, तो इससे तो नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जो है फुल मायूसी का शिकार हो चुके हैं और अपने आप को अब इन रखने के लिए वो कोई भी बयान दे देते हैं। हालांकि ये एटमी पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, बाज चीज़ें जो होती है कॉन्फिडेंशियल होती है, उन्हें नहीं पब्लिक करने वाली होती, लेकिन खान साहब वो भी कर किए जा रहे हैं। अब वजीराबाद में इनके बकौल के इनके ऊपर कातलाना हमला हुआ और जो है उन्हें गोलियां भी इमरान खान साहब को लगी हैं, लेकिन वो सवाए शौकत खानम के आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल की जो है वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं इनकी मिलेगी सवाए शौकत खानम के। और कहीं भी ये नहीं लिखा कि इन्हें गोलियां लगी हैं या इन्होंने आके दिखाया हो, कहीं आपको नहीं नजर आया कि सवाए शौकत खानम के उस पर भी इन पर कातलाना हमला हुआ था। तो कहने का मकसद है कि इमरान खान साहब जब से इक्तदार से गए वो यही कह रहे हैं कि मुझे मार दिया जाएगा। कभी वो कहते हैं कि मुझे मारने में सरदारी साहब ने सरपारी दी हुई है, कभी कहते हैं कि मेरे कत्ल में जरदारी नवाज शरीफ मुलव्वस है, वो लंदन में बैठा हुआ शख्स मुझे मारना चाहता है, कभी वो कहते हैं कि मुझे सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा मारना चाहते हैं, फिर उन्होंने ये भी बयान दिया कि डर्टी हेरी मुझे मारना चाहते हैं, फिर उन्होंने बयान दिया कि ना फिर उन्होंने ये बयान दिया कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मनीर ये मुझे मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं। तो खान साहब ये बयान देते रहते हैं और अब ये उनका जो नया शोशा इन्होंने छोड़ा है कि रॉकेट लॉन्चर से मेरे हेलीकॉप्टर को टारगेट करने की कोशिश की गई, तो मुझे ऐसे लीडरान पर यकीन माने तरस आता है कि इक्तदार जाने के बाद बिल्कुल ये हवा से भागता हो गए हैं और जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं यकीन माने समय मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह के बंदे को किस बेवकूफ किस पागल के पुत्र ने इन्हें वजीर आजम बना दिया था।
और ये अब बात कर रहे हैं कि मैं प्रो एंटी स्टेब्लिशमेंट हो गया हूं। तो उससे पहले जब ये इक्तदार में थे, ये जनरल बाजवा को अबू कहते थे, और जिस तरह आर्मी चीफ की तारीफें करते थे उस वक्त कहते थे कि ये ISI अगर ना होती तो मुल्क ना होता, ये आर्मी ना होती, और ये जो बाजवा साहब है ये तो सबसे प्रो डेमोक्रेसी जनरल आए हैं। आज उन्हें गालियां पकड़े हैं, और जनरल साहब और फौज ने भी मजा ले लिया ऐसे शख्स को आपने इक्तदार में लाके, कि वो शख्स जिसके मुंह में कुछ भी आता है बकी जा रहा है, झूठ पे झूठ बोली जा रहा है, कभी मुझे लॉकर रांचर से मारने की कोशिश कर रहा है, कभी आर्मी चीफ मुझे मारना चाहता है, कभी वजीराबाद में मेरे ऊपर हमला हो गया, क्या ये बंदा है। और कभी ये अदालतों में पेश होता है तो बाल्टी सर पे लेके पेश होता है, और बेशर्म आदमी जिस दिन इंसान की मौत लिखी हुई है उसने आनी है। आप बाल्टी सिर पे रखें या पीछे रखें, जहां पे मर्जी आप रखें, चाहे मर्जी 100 सिक्योरिटी गार्ड आप ले लें, 500 छोड़ के 1000 ले लें आप, जब अल्लाह पाक की तरफ से इंसान की मौत आनी है तो आ जानी है, कुछ भी नहीं होना है। तो इतना डरने की क्या जरूरत है, जितने सांस अल्लाह पाक ने लिख दिए, जितने कदम आपके लिख दिए हैं, जितना आपने खाना खाना है आपने खा लेना है, जब मौत आनी है तो फिर आ जानी है। तो तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों डरते हो ना, खुद तो आप अपने कारकुनों को मरवा रहे हो और खुद सुकून के साथ बैठे हुए, क्योंकि आपके अदलिया फुल आपको सपोर्ट कर रही है। 170 मुकदमा में किस मुकदमे में आपको आज तक आपको जेल किसी ने भेजा या गिरफ्तारी दी है, जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत मिल रही है। अब तो ये हाल हो गया कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब यूट्यूबर से मिल रहे हैं, यार अंदाजा लगाए पाकिस्तान में इंसाफ क्या ये हाल हो गया, अंदाजा लगाए कि पाकिस्तान में इंसाफ का ये हाल हो गया, यूट्यूबर से मिल रहा है यार। और पाए ना अपने उदे दा ही लिहाज रख लो, मन्या ता दे को लिखा आखिरी डेढ़ महीना रह गया है, खुदा का खौफ करें यार, ये पाकिस्तान को चलने दें आप। अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान जो माशियत के बिल्कुल, इमरान खान साहब आप कहते हैं ये श्रीलंका का हाल होने वाला है, ये फ्रांस का हाल हो जाएगा, ये तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अगर पाकिस्तान अब थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है तो खुदा का वास्ता पाकिस्तान को चलने दे और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दे। और जिस तरह आपने सियासत की है और जिस तरह आप इक्तदार से बाहर गए और आपके जो 3 साल 7 माह 21 दिन थे वो पाकिस्तान के ऊपर भारी तरीन से, आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान साहब आप जब इक्तदार में आए थे तो पाकिस्तान पे $25,000 अरब कर्जा था, और जब आप गए तो $49,000 अरब कर्जा था, उसका कौन जिम्मेदार है। अब एक नई खबर आपको नाज़रीन हम बताते जाए कि $3 अरब जो कोरोना में आए पाकिस्तान में, उसको शौकत तरीन वो बेशर्म बगैरत आदमी, उसने रजा बाकर से मिलके, उस वक्त के जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे उसके साथ मिलके हसकोल कंपनी को $3 अरब बगैर सूद के दे दिए। कितनी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप मुझे बताएं कि बगैर सूद के कोई लाख रुपया नहीं देता है, आप किसी बैंक में चले जाए वो नहीं देते, $3 अरब बगैर सूद के हसकोल पेट्रोलियम कंपनी को दे दिया और उसका दिवालिया निकल गया। इन बेशर्मों, इन बगैरतों को कोई पूछने वाला है, और हुकूमत पे भी लानत है। आपके पास ये केस आया, इन्हें पकड़े, इन्हें करप्शन में पकड़े, इन्हें दहशतगर्दी केसों में ना पकड़े, इन्हें करप्शन में पकड़े आप, ये शौकत तरीन पाकिस्तान में इसे पकड़े आप। तो अगर आपने नहीं कुछ करना तो फिर आप ठीक जूते खा रहे हैं, ठीक बिल्कुल ठीक जूते खा रहे हैं। तो आपकी मेहरबानी है, जिसने पाकिस्तान को लूटा उसे पकड़े, नहीं पकड़ सकते तो घरों को जाए, किसी और को आने दें। मियां साहब अहमद अचार न्यूज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।